27वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्पी मेले के दूसरे दिन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेले में शिरकत की, जहां हरियाणा मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत तमाम उपस्थित मंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी उपस्थित रहे और प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के कार्यों और उपलब्धियां को लेकर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया। आगामी चुनाव और इसकी रूपरेखा को लेकर एक खास मीटिंग का आयोजन भी सूरजकुंड में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और इस अवसर पर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने को लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए बधाई दी। देश और संगठन को लेकर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की चर्चा भी की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने बताया कि भाजपा सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यों और जनहित में चलाई गई योजनाओं का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है कि किस प्रकार आम व्यक्ति के घर तक पहुंचकर सरकार ने इन योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर एक विशेष बैठक भी की गई है और सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों के बल पर आने वाली चुनाव में हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटें हम जीतकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। विमोचन हुआ है, हरियाणा में जो कार्य हुए हैं, जो दूर सुदूर बैठे हुए व्यक्ति तक डायरेक्ट उसके घर के ऊपर सरकार पहुंची है, उसका लाभ पहुंचा है और वो सारा का सारा 9 वर्ष अतुलनीय वर्ष इस बुक में जो अस्मरणीय कार्य जो हरियाणा के अंदर एक गुड गवर्नेंस के हुए हैं, अगर हम बात करें चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसीज है, चाहे वो बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं तक डायरेक्ट बिना कल्पना के व्यक्ति के घर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाता है, जिसकी चर्चा महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी की है। एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण देखने को अगर कहीं मिला है तो हरियाणा के अंदर मिला है और उस बुक का विमोचन हुआ है और उस गुड गवर्नेंस को आज पूरा देश भी, देश के अंदर अन्य राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आज इस अवसर के ऊपर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का कार्यकाल 9 वर्ष का रहा और उसके ऊपर आज बुक का विमोचन हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही हमारे लिए एक गर्व का, बड़ी प्रसन्नता का ये विषय अभी अभी समाचार मिला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट किया है कि हमारे नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न का पुरस्कार अपने आप में देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इससे पूर्व भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार मिला था और भी बहुत सी विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है। इस प्रकार मिलने से हमारे देश के बड़े नेता जहाँ पुरस्कृत हुए हैं, वहाँ मैं ये समझता हूँ कि एक कार्यकर्ता से और एक नेता तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके सारे कार्यकलापों को देख करके उनकी एक इस प्रकार की जो राजनीतिक और सामाजिक और हर प्रकार के संगठन के नाते जो भी सोच है उस सोच को प्रणाम करते हुए, और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय किया, भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको दिया गया है, एक प्रभु से उनकी लंबी आयु की कामना भी करता हूँ और इस प्रकार से वो प्रेरणा के स्रोत हमारे बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।